हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो दिस इज भावनापुरी और आज हम बात करेंगे 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। लेकिन क्योंकि मैं आपको नीट के लिए प्रिपेयर करवा रही हूँ, तो जो चीजें हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं होंगी, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे एम्फसाइज किया जाएगा जो कि नीट के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो बिना टाइम वेस्ट किए बराबर से स्टार्ट करते हैं। आपका जो चैप्टर नंबर 2 है वो क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो देखते हैं किस किस तरीके के क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से, ठीक है? सबसे पहली चीज तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी, तो आपको याद रखना कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने भी दी थी, साथ ही साथ कार्लस्टीनस ने भी दी थी। तो इन दोनों साइंटिस्ट के नाम आप याद रखोगे, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। दो किंगडम कौन कौन से थे? प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, राइट? तो एरिस्टोटल ने बोला क्या था, इसने जब प्लांट और एनिमल किंगडम में डिविजन की थी ऑर्गेनिजम्स की, तो किस बेसिस पे की थी स्पेसिफिकली? ये जो मैं बात कर रही हूँ एनिमल किंगडम की, आपको याद रखना, उसने बोला कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनके पास रेड ब्लड है और कुछ ऐसे थे जिनके पास रेड ब्लड नहीं है, ठीक है? विद रेड ब्लड, और उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो क्या होगी? विदाउट रेड ब्लड। ये एरिस्टोटल की बात हो रही है, जिनको जो पूरी बायोलॉजी के फादर है वो भी कहा जाता है, ठीक है? तो साथ ही साथ आप देखोगे इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। तो प्लांट में जो उन्होंने डिविजन की थी वो हर्ब्स श्रब्स और ट्रीज में की थी, हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज में डिविजन की थी। बस इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। हो सकता है कि वो पूछे कि एनिमल किंगडम को किन कैटेगरीज के बेसिस पर डिवाइड किया गया था, तो आप बताएंगे विद रेड ब्लड और विदाउट रेड ब्लड, ठीक है? और मैंने ऑलरेडी जो डे 1 की वीडियो अपलोड की उसमें बताया है कि जितने भी साइंटिस्ट के नाम है वो मैं आपको एक अलग से PDF में बताऊंगी, या फिर टॉपिक वाइज जो PDF अपलोड की जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे, साथ साथ साइंटिस्ट के नाम भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो जो एरिस्टोटल है इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी या फिर जूलॉजी, ठीक है? वैसे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है थियोफ्रेस्टस, इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ बॉटनी कहलाते हैं। क्या कहते हैं इनको? फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है? तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। अब कार्लस्टीनस ने भी टू किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, वो थी प्लांट और एनिमल, है ना? पहला किंगडम प्लांट और दूसरा एनिमल, ठीक है? अब ये जो क्वेश्चन इसमें से पूछा जा रहा था, ये भी पूछ सकते हैं कि इनकी क्लासिफिकेशन भैया अच्छे तरीके से आगे चली नहीं, ऐसी क्या प्रॉब्लम थी, है ना? तो आप ये बताओगे वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे, दे कुड नॉट डिफ्रेंशिएट किस किस के बीच में? यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के बीच में, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच में। तो जब आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हो कौन सा यूकैरियोटिक है, कौन सा प्रोकैरियोटिक है, कौन सा फोटोसिंथेटिक है या फिर नॉन फोटोसिंथेटिक है, कौन सा सिंगल सेल्ड है मतलब यूनिसेल्युलर या फिर कौन सा मल्टी सेल्युलर है, ठीक है? तो फिर किस तरीके से आपकी जो क्लासिफिकेशन है वो एक्सेप्ट हो सकती है? नहीं हो पाएगी, राइट? अब यहाँ पर 3 किंगडम 4 किंगडम के बारे में भी आपको पढ़ना है ना? तो बेसिकली जो 2 किंगडम की क्लासिफिकेशन थी उसमें दोनों का नाम याद रखोगे, देन 3 किंगडम 4 किंगडम और 5 किंगडम के लिए आपको याद रखना है। हालांकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन मेडिकल के रिस्पेक्ट के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? तो 3 किंगडम 4 किंगडम देखो, 4th अगर मैं बोल दूंगी तो वो गलत हो जाएगा, तो 4 किंगडम की एक साथ ही बात होती है और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना? तो आपको ये याद रखना है कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आंसमैन ने दी थी, किसने दी थी? आंसमैन ने दी थी। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दी थी और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आरएच विटेकर ने दी थी। ये आपको मतलब जो साइंटिस्ट है उनके नेम याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली ईयर है आरएच विटेकर का, जो कि 1969 है, और इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। ये हो गया, ठीक है? तीसरा किंगडम कौन सा था? वो प्रोटिस्टा था, वो आपको याद रखना है। फिर फंजाई और बैक्टीरिया आया था, है ना? तो ये हो गया 3, 4 एंड 5 किंगडम, बैक्टीरिया मतलब मोनरा, ठीक है भाई? तो ये 5 किंगडम के लिए कौन कौन से साइंटिस्ट ने दिया था वो आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन नीट के लिए पूछा जाता है कि ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आरएच विटेकर ने दी है वो किन किन कैरेक्टर्स के बेसिस पर दी है, है ना? तो एक हो जाता है सेल स्ट्रक्चर, सबसे पहला फीचर हो गया सेल स्ट्रक्चर। दूसरा फीचर होता है थैलस ऑर्गेनाइजेशन या फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, है ना? तो जो ऑप्शंस आपको देंगे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बाय आरएच विटेकर, ठीक है? तो जो जो बेसिस है मैं वो लिख रही हूँ, सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या है भाई? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप।
तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच व्हिटेकर ने दी थी, है ना, और अभी तक यही चलती हुई आ रही है। तो अगर आप ये देखोगे कि जब आर एच व्हिटेकर ने ये ऑब्जर्व किया, भैया ये सिंगल सेल्ड है, ये मल्टी सेल्युलर है, तो अलग अलग कैटेगरीज में आना चाहिए, ठीक है, तो जो इनकी क्लासिफिकेशन थी वो काफी हद तक सही थी, इसलिए काफी समय तक वो चलती रही, वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इन्होंने जो फाइव किंगडम्स बताए थे वो थे कौन कौन से, पांचों किंगडम के बारे में पता होना चाहिए और उनके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा था वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो फाइव किंगडम्स आर एच व्हिटेकर ने दिए हैं वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब इसमें से क्या क्वेश्चन बनता है भाई, देखो क्वेश्चन ये बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल सेल यूकेरियोट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल सेल यूकेरियोट। किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोटिक होता है, किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोटिक होता है, लेकिन जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये कैसा है, इसमें सारे ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड होते हैं और क्योंकि उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है इसलिए वो कैसे होंगे, प्रोकैरियोटिक। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, किंगडम प्रोटिस्टा, सिंगल सेल्ड यूकेरियोट पूछा गया है आपसे, है ना। बच्चे सिंगल सेल देखते ही किंगडम मोनेरा पे यानी कि बैक्टीरिया पे टिक कर देते, वो गलत, क्यों, आप ये तो देख ही नहीं रहे प्रोकैरियोटिक पूछा या यूकेरियोटिक, राइट। तो जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है सबसे ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अभी तक ये चलती है। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि मैक्सिमम न्यूट्रिशनल क्वालिटी कौन से किंगडम के ऑर्गेनिजम्स रिप्रेजेंट करेंगे। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल क्वालिटी किंगडम मोनेरा, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल क्वालिटी किसके अंदर होती है, किंगडम मोनेरा के अंदर होती है, राइट। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला आर प्लेस्ड अंडर कौन से किंगडम के अंदर डाला गया है, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से। फिर से आपका आंसर होगा प्रोटिस्टा। देखो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला ये दोनों ही सिंगल सेल्ड है और यूकेरियोटिक है। बच्चे तो पढ़ते कि भाई तो प्लांट किंगडम के ऑर्गेनिज्म से एल्गी है, लेकिन क्योंकि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रॉपर तरीके से डिवाइड किया हुआ है ना ऑर्गेनिज्म को, तो इसलिए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला दोनों ही किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, तो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला कौन सी कैटेगरी में आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है। हाई न्यूट्रिशनल क्वालिटी किसके अंदर होगी, किंगडम मोनेरा के अंदर, है ना। अगला क्वेश्चन भाई जो प्रोकैरियोटिक है वो तो बैक्टीरिया हो गए, ठीक है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, चार एग्जांपल्स यानी कि चार ऑप्शन आपको देंगे और ये पूछेंगे विच ऑफ दी फॉलोइंग लैक अ न्यूक्लियस, तो चारों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन एक बैक्टीरिया का रिप्रेजेंट कर रहा है, किंगडम मोनेरा का एग्जांपल है, उसी के पास न्यूक्लियस एब्सेंट होगा क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक होते हैं जितने भी मोनेरा होंगे, है ना। मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है क्लेमाइडोमोनास, एस्पेरेजिनस नाइगर और एगेरिकस एंड माइकोप्लाज्मा, तो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया का एक एग्जांपल है, तो फिर उसके अंदर नहीं होता न्यूक्लियस, राइट। एक और क्वेश्चन इससे बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैक अ सेल वॉल, इनमें से किसके पास सेल वॉल नहीं है, तो अगर मैं सेम ऑप्शंस आपको रखूं तो उसका करेक्ट आंसर भी माइकोप्लाज्मा होगा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, वो बिना सेल वॉल के सर्वाइव करता है, वो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करता है और उसको हम क्या कहते हैं, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, राइट। और इसका दूसरा नाम क्या है, PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, राइट। देखिए मैं बहुत डिटेल में हर एक टॉपिक को नहीं डिस्कस करूंगी जो कि अननेसेसरी है, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जिसकी हमें जरूरत है नीट के रिस्पेक्ट में, ठीक है भाई। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ें, क्योंकि वो सारी चीजें जब आप पढ़ोगे, ये मेरी वीडियोस को देखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, तो डायरेक्टली आपको तुरंत याद होते रहेंगे वो सारी चीजें, है ना। और ऑलरेडी जो मैंने नीट के लिए एक वीडियो सबसे पहले अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको रिकमेंड किया था कुछ बुक्स के लिए, आप चाहे तो MTG ले सकते हैं घर पे प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर आर्यन राज की कोई भी बुक ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जो टॉपिक्स आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन आप पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद जब MCQs अटेम्प्ट करोगे ना, तो आपके अंदर खुद से कॉन्फिडेंस आएगा, राइट, कि भाई मुझे समझ में आया था चैप्टर, मैंने उसके MCQs किए, सारे आंसर्स मुझे आते हैं, ठीक है। और इन केस कोई आंसर नहीं भी आपको आता है, कोई डाउट आपको लगता है, तो आप कमेंट्स कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ये तो हो गया कि जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच व्हिटेकर ने दी थी वो किस किस बेसिस पर थी और इसके बेसिस पर क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, है ना। तो
जो सबसे पहला किंगडम है ये मोनेरा। अब स्पेसिफिकली मैं किंगडम के हिसाब से बात करूंगी तो देखते हैं उस किंगडम से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। किंगडम मोनेरा के क्या क्या क्वेश्चन आपसे नीट में पूछे जाएंगे। तो देखो मोनेरा में कौन आता है, बैक्टीरिया आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उसमें से आपसे पूछा जा सकता है, कौन सी कैटेगरीज है उसकी, एक है आर्के बैक्टीरिया है ना, और दूसरा कौन सा है, यू बैक्टीरिया। अब जल्दी से बात करते हैं इनमें से क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इन ऑर्गेनिज्म के अंदर, या फिर पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि ट्रू बैक्टीरिया किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि भैया यू बैक्टीरिया को ही ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, एक मार्शी एरिया, दलदल वाला एरिया है, आप वहां से गुजर रहे थे और आपको एक फाउल ऑडोर यानी कि अजीब सी स्मेल आ रही थी, है ना। अब वो जो स्मेल आ रही है वो कौन से पैथोजन या कौन से बैक्टीरिया की प्रेजेंस की वजह से है, ठीक है। तो देखिए जो आर्के बैक्टीरिया, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनकी सेल वॉल का कंपोजिशन डिफर करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन सेल वॉल। किस चीज के स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है इन दोनों में, सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो डिफर करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा मैंने भी बोला था कि फाउल स्मेल अगर आ रही है तो वो किस वजह से आ रही है, मान लो उस दलदल वाले एरिया में गोबर पड़ा है या कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट है या गैसेस रिलीज हो रही है, तो वो किसने प्रोड्यूस की होगी, वो मिथेनोजेंस ने प्रोड्यूस की होगी। किसने, मिथेनोजेंस ने, है ना। तो मैंने भी बताया कि जो आर्के बैक्टीरिया है वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। इसके तीन एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। कुछ तो होता है हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स का मतलब होता है जो एक्सट्रीम सॉल्टी एनवायरमेंट में रहते हैं, ठीक है। देन थर्मो एसिडोफाइल्स, देखो थर्मो का मतलब टेम्परेचर से है, एसिडो का मतलब एसिड से है। तो जो एक्सट्रीम कंडीशन में हाई टेम्परेचर में या हाई एसिड या सॉल्ट कंसंट्रेशन में रहते हैं वो सब आर्के बैक्टीरिया की कैटेगरी के अंदर आएंगे, ठीक है। तो जो सल्फर बैक्टीरिया होते हैं वो भी इसी का ही एक एग्जांपल होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करने के, राइट। तो मिथेनोजेंस कहाँ पर मिलेंगे, कैटल के, रूमिनेंट एनिमल के गट में मिलेंगे, है ना। तो जो डंग होता है, गोबर होता है, उसके अंदर कौन से बैक्टीरिया होते हैं, मिथेनोजेंस। तो मिथेनोजन का नाम ही क्यों पड़ा, क्योंकि वो मिथेन गैस को प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया एक दूसरे से डिफर करते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी सेल वॉल का कंपोजिशन अलग अलग होता है। इनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। तो पेप्टिडोग्लाइकेन एक बहुत अच्छा कंपोजिशन है जो आपको याद रखना है। सो पेप्टिडोग्लाइकेन की जो सेल वॉल है वो यू बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है। और जो यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया का मेन डिफरेंस है वो यहीं पर आता है। जो सेल वॉल होगी यू बैक्टीरिया की वो पेप्टिडोग्लाइकेन से या फिर म्यूरिन से बनी होगी, ठीक है। जबकि आर्के बैक्टीरिया के अंदर ये सेल वॉल नहीं होती, मतलब उनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से नहीं बनी हुई है। तो उसमें आएगा दे लैक अ पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल, ठीक है। अब इसी के साथ अगर हम आगे बात करें तो जो क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं वो क्या हो सकते हैं, एक तो ट्रू बैक्टीरिया का हो गया जिसको हम यू बैक्टीरिया कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, यू बैक्टीरिया टिपिकल प्रोकैरियोटिक होते हैं। टिपिकल प्रोकैरियोट से मेरा मतलब ये है कि देखो हालांकि दोनों ही किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं और मोनेरा किंगडम है ही प्रोकैरियोट्स का, बट फिर भी यहाँ पर टिपिकल प्रोकैरियोटिक यू बैक्टीरिया के लिए इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कुछ ऐसे फीचर है जो कि आर्के बैक्टीरिया में यू कैरियोट्स वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसा जरूरी कि वो सिंगल हो, है ना, जबकि यू बैक्टीरिया के अंदर सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, सिंगल क्रोमोसोम, वो भी बिना हिस्टोन के, विदाउट हिस्टोन। अभी हिस्टोन क्या है, हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, है ना, जो कि यूकैरियोट्स की खासियत है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें देखा यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, इनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन यानी कि म्यूरिन से बनी है, टिपिकली प्रोकैरियोटिक होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम होगा वो भी बिना हिस्टोन के। दीज आर, मतलब इन सारे यू बैक्टीरिया के पास कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनको यूट्रोसिस्ट कहा जाता है और ये यूट्रोसिस्ट जरूरी होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। क्या फंक्शन होता है इनका, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो यूट्रोसिस्ट है वो बेसिकली किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए, राइट। अब इसके अलावा इनके पास एक म्यूसिनोजेनियस शीट होती है, म्यूकस जैसी शीट होती है जो कि इनको प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन का काम देती है म्यूसिनोजेनियस शीट, ठीक है।
अब इसी के साथ साथ आप देखोगे जब भी इन बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं तो ये ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों हो सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक में या तो वो अपना खाना सनलाइट के प्रेजेंस में बनाएंगे, मतलब फोटोसिंथेटिक हो गए, या फिर वो अपना खाना केमिकल की प्रेजेंस में बनाएंगे तो वो कीमोसिंथेटिक हो गए, है ना। तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है और हेटरोट्रॉपिक भी, फोटोसिंथेटिक मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में, कीमोसिंथेटिक यानी कि केमिकल्स को यूज करता है सोर्स ऑफ एनर्जी। तो उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस आप डालोगे, है ना। मैं नोट्स में एक दो चीजें जो एक्स्ट्रा है वो भी मेंशन करके आपको प्रोवाइड करूंगी। लेकिन अगर हेटरोट्रॉपिक की हम बात करते हैं तो जनरली जो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया है वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, और हेटरोट्रॉपिक का मतलब है दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ले रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे जितने ज्यादा बैक्टीरिया के फायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। अब फायदे क्या हो गए, गुड फर्टिलाइजर्स होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया का आप एग्जांपल ले सकते हो, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। फिर इसी के साथ साथ अगर जैसे लैक्टोबैसिलस की आप बात करते हो तो वो क्या करेगा, मिल्क को कर्ड में बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट। इसी के साथ साथ ये देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन तो हो ही गया, सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ा रहा है ना, तो इसको फार्मा का फ्रेंड साथ हमको बोलते हैं, ये भी जरूरी होता है उसी तरीके से। साथ ही साथ ही किस चीज में हेल्प करेगा, अगर डीकम्पोजिशन की बात करें तो पूरे एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी बैक्टीरिया ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। अब ये तो हो गए फायदे, अब जो नुकसान के बारे में बात करें तो ये बहुत सारे डिजीज करवा सकते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरिया है वो रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारी बीमारियां करवाने के लिए, तो कौन कौन सी बीमारियां बैक्टीरिया से हो सकती है, इसमें आप टेटनस का एग्जाम्पल ले सकते हो, है ना। इसमें आप और बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो, जैसे कि टाइफॉइड ले लीजिए, ठीक है, तो क्लोरल वगैरह, बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो कि बैक्टीरिया ही करवाते हैं। प्लांट्स के अंदर भी सिट्रस कैंसर वगैरह बहुत सारे डिजीज है जो कि वो करवाएंगे। तो ये आपको याद रखना है कि बेनिफिट्स हैं तो बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, राइट। अब अगर मैं बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करती हूँ तो आप देखोगे अगर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एसेक्सुअल मोड में वो किसी भी तरीके से मतलब कोई भी सेल टू सेल उसमें जेनेटिक मटेरियल की डीएनए का कोई फ्यूजन नहीं होगा, है ना। या फिर इसके साथ अगर मैं बात करूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कुछ ऑर्गेनिज्म है, कुछ बैक्टीरिया है जो कि चले जाते हैं जब भी कंडीशन ऐसी होती है जो अनफेवरेबल है, तभी क्या करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जाएंगे, ठीक है। भाई ए सेक्शन में तो आपने बायनरी फ्यूजन आपने देखा है, कई जगह पर बायनरी नहीं लिखा हुआ होता है तो आपको वहां पर डायरेक्टली फिजन लिखा होगा या लॉन्गिट्यूडनल फिजन लिखा होगा तो वो करेक्ट है। मैं फिर से बता रही हूँ लॉन्गिट्यूडनल फिजन भी लिखा है तो वो बिल्कुल करेक्ट है बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में, राइट। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, तीन तरीके से हो सकता है। एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं ट्रांसडक्शन, एंड दी अनदर वन इज कॉन्जुगेशन, अनदर वन इज कॉन्जुगेशन। तो देखो इनमें डिफरेंस क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में हम डायरेक्टली किसी भी जेनेटिक मटेरियल को एक वेक्टर का यूज करके बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। ट्रांसडक्शन में हम वायरस का या बैक्टीरियोफेजेस का इस्तेमाल करते हैं, वायरस का या फिर मैं बोलूंगी बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल करेंगे किसी भी जेनेटिक मटेरियल को किसी भी बैक्टीरिया के होस्ट बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए, है ना। और कॉन्जुगेशन में क्या होता है, सेल टू सेल कॉन्टेक्ट होता है, मतलब एक बैक्टीरिया सेल, बैक्टीरिया का सेल दूसरे बैक्टीरिया के सेल के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएगा और एक जो उसकी बॉडी के अंदर जेनेटिक मटेरियल था वो दूसरे बैक्टीरिया तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये तीन ऐसे तरीके हैं जिससे बैक्टीरिया सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। और एसेक्सुअली में आप लॉन्गिट्यूडनल या बाइनरी फिजन के बारे में याद रखेंगे, माइकोप्लाज्मा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, है ना। तो ये हमने किसके बारे में बात की है, किंगडम मोनेरा के बारे में। हालांकि इससे रिलेटेड अगर और क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो उसमें पूछ सकते हैं कि उनके क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो इनमें से कौन सा एरोबिक है, कौन सा एनएरोबिक है, ठीक है, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होगा, किसके अंदर प्रेजेंट होगा, तो वो टॉपिक वाइज हम जिस जिस चैप्टर में जो जो टॉपिक करेंगे वो सब डिस्कस करेंगे, राइट। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि जो किंगडम जो क्लासिफिकेशन है किंगडम के हिसाब से, जैसे कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल और कार्लस लिनियस ने दिया, फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन अंसमेर ने दिया, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्ड फाइलम थर्ड किंगडम कौन सा था जो कि डिस्कवर किया गया, तो आप प्रोटिस्टा बताएंगे, ठीक है। फिर फोर किंगडम हो सकता है, फिर फाइव किंगडम हो सकता है, तो फोर किंगडम कॉपलैंड ने दिया था, उसने मोनेरा को डिस्कवर किया था, फोर किंगडम में मोनेरा को डिस्कवर किया गया था, और फाइव किंगडम आर एच वुटेकर ने दिया था जिसमें हमने फंजाई को डिस्कवर किया था, ठीक है, 1969, उसका ईयर भी आपको याद करना होता है, ठीक है भाई। तो ये तो हो गया किंगडम मोनेरा में से। अब फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं, किसके बारे में बात करें, ये प्रोटिस्टा। तो
सबसे पहले फीचर तो प्रोटिस्टा का मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है, सिंगल सेल यूकैरियोटिक। सबसे पहला क्वेश्चन जो प्रोटिस्टा से आता है वो है सिंगल सेल यूकैरियोटिक, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा पूछेंगे, ये अबंडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा अबंडेंट होंगे, और एक्वेटिक होते हैं, कहां पे मिलेंगे, पानी में मिलेंगे, तो ये होगा एक्वेटिक। दूसरा ये होते हैं फोटोसिंथेटिक, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर आप बोलोगे ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब ये अपना खाना खुद से बनाएंगे, करेक्ट। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा की, तो उसमें कुछ कैटेगरीज है, जैसे कि सबसे पहले जो कैटेगरीज आते हैं वो डायटम्स आते हैं, क्राइसोफाइट्स आते हैं। तो जो क्राइसोफाइट्स है इनमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है, देखो गोल्डन एल्गीज का एग्जाम्पल है, डायटम्स इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है इसके वो भी कई बार पूछे जाते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायटोमिशियस अर्थ, डायटोमिशियस अर्थ किससे बना है, तो आप बताओगे डायटम्स से मिलकर बना है, जिसको क्राइसोफाइट्स भी कहा जाता है। पहला ये हो गया। फिर पूछेंगे इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी है, इनकी सेल वॉल सिलिका से बनी हुई है और वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, कैसी है, इनडिस्ट्रक्टेबल है और सिलिका से बनी हुई है। उसकी जब शेप के बारे में बात करोगे तो वो ऐसे ओवरलैप करेगी, ओवरलैप करती है लाइक अ सोप बॉक्स, ओवरलैप करती है लाइक अ सोप बॉक्स, ये आपको याद रखना है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा चीफ प्रोड्यूसर कौन होते हैं ओशियन के, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, तो चीफ प्रोड्यूसर यही होते हैं क्राइसोफाइट्स, यानी कि डायटम्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब भी वाटर के अंदर ये फ्लोट करते हैं तो किस तरीके से फ्लोट करेंगे, पानी के अंदर वो किस तरीके से फ्लोट करते हैं, तो आपको याद रखना है दे फ्लोट पैसिवली, तो किस तरीके से फ्लोट करेंगे, वो पैसिवली फ्लोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू नीट, नीट के रिस्पेक्ट में जो क्वेश्चंस है वो क्या है, डायटोमिशियस अर्थ कौन सी कैटेगरी में बनेगा, क्राइसोफाइट्स में बनेगा, ठीक है। इसमें डेसिमिड्स भी एग्जांपल्स आप पढ़ते हो। फिर है सेल वॉल कैसे बने होते हैं, सिलिका से बने थे जो कि इंडिस्ट्रक्टेबल है। शेप कैसी होती है, सोप बॉक्स की तरह होती है जो एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, ठीक है। और क्योंकि सिलिका इंडिस्ट्रक्टेबल तो इकट्ठा होता रहेगा, और जब वो इकट्ठा होगा तभी तो डायटोमिशियस अर्थ की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। चीफ प्रोड्यूसर होते हैं क्राइसोफाइट्स, ओशियन में चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। और फ्लोट करते हैं कैसे, पैसिवली फ्लोट करते हैं पानी के अंदर, वाटर करंट में वो कैसे फ्लोट करेंगे, पैसिवली फ्लोट करेंगे। अगर फंक्शन आपसे पूछा जाता है तो ये किस किस चीज में हेल्प करते हैं, तो एक तो ये जो पॉलिशिंग होता है उसमें हेल्प करेंगे, और फिल्ट्रेशन में, पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन ये हेल्प करते हैं इन सब चीजों में, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमने किसके बारे में बात की, डायटोमिशियस अर्थ के बारे में बात की है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या होता है, स्टिक की तरह होता है, तो वो पॉलिशिंग में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, डिनोफ्लैजिलेट्स के बारे में, डाय का मतलब भी दो होता है, ठीक है। तो आपसे पूछेंगे जो डिनोफ्लैजिलेट्स हैं, प्रोटिस्टा के ऐसे एग्जांपल बताइए जिसके अंदर दो फ्लैजिला होते हैं। देखो दो फ्लैजिला तो डिनोफ्लैजिलेट्स में भी है और इसके आगे आने वाले युग्लिना में भी है, यानी कि युग्लिनॉइड्स में, तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये है कि ये एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल है और एक ट्रांसवर्स है, एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल होगा और एक ट्रांसवर्स होगा, ये मेन डिफरेंस है किस किस में भाई, एक तो डिनोफ्लैजिलेट्स में और दूसरा युग्लिनॉइड्स में, तो एक हो गया लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला और दूसरा ट्रांसवर्स फ्लैजिला। सेकंड चीज रेड टाइड्स कौन फॉर्म करता है, तो डिनोफ्लैजिलेट्स का एक एग्जांपल है जिसका नाम है गोनियोलेक्स, ठीक है। तो इसको हम रेड डिनोफ्लैजिलेट कहते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, रेड टाइड्स की फॉर्मेशन के लिए, रेड टाइड्स की फॉर्मेशन के लिए। अच्छा इनका सेल वॉल का कंपोजिशन भी पूछ लिया जाता है ना, तो आपको याद रखना है पैक्टिन और सेलुलोज इनके सेल वॉल के कंपोजिशन में होते हैं, पैक्टिन और सेलुलोज, ठीक है भाई। एक प्लेट बनी होती है इनके सरफेस पर सेलुलोज की, तो वो आपको याद रखना होगा। तो यही तीन चार क्वेश्चंस हैं जो कि डिनोफ्लैजिलेट्स में से सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, राइट। अब अगर मैं बात करूं युग्लिनॉइड्स के बारे में, युग्लिनॉइड्स अब इसमें से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है भैया, एक एग्जांपल तो युग्लिना ही हो गया। ये होते हैं मिक्सोट्रॉप्स, मिक्सोट्रॉप्स का मतलब होता है कि ये ऑटोट्रॉपिक भी होंगे और ये हेटरोट्रॉपिक भी होंगे, मतलब जब तक सनलाइट रहेगी तब तक तो ये क्या करेंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में फूड बनाएंगे, ऑटोट्रॉपिक है, लेकिन जैसे ही सनलाइट डिवॉइड हो जाती है ये दूसरों से फीड करना शुरू कर देते हैं, मतलब हेटरोट्रॉपिक। तो पहला तो हो गया मिक्सोट्रॉप्स हो गए। दूसरा पॉइंट, इनके पास क्लोरोफिल है तभी तो फोटोसिंथेसिस कर रहे, तो आप याद रखोगे कहां मिलते हैं ये, स्टैग्नेंट वाटर में मिलेंगे, मतलब रुके हुए पानी में मिलेंगे, स्टेग्नेंट वाटर में मिलते हैं मतलब रुके हुए पानी में। नेक्स्ट नो सेल वॉल, इनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन उसके जगह पर एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको पेलिकल कहा जाता है। तो ये पूछते हैं इसका कंपोजिशन क्या है,
तो ये क्या होगी, किससे बनी है, प्रोटीन रिच है। इसका फंक्शन क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाती है, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। और इसके अंदर हाइयर प्लांट से सिमिलर पिगमेंट होती है, इट मस्ट बी क्लोरोफिल, राइट। तो ये तो हो गया किसके लिए, यूग्लेरॉइड्स के लिए। स्टैग्नेंट वाटर मतलब रुके हुए पानी में, दैट मींस फ्रेश वाटर में मिलती है जनरली, समझ में आया। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी होती है इसके अंदर यूग्लेरॉइड्स के बाद, वो हम पढ़ेंगे। तो एक डायग्राम भी बना के ये मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ यूग्लेना का। तो जब उसके डायग्राम को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ इसके पास भी दो फ्लैजेला होते हैं, लेकिन जो डिफरेंस है इसके डेनोफ्लैजेला और यूग्लेनॉइड्स के फ्लैजेला में वो ये है कि यूग्लेना के पास एक स्मॉलर फ्लैजेला होगा और एक लॉन्गर, जबकि डेनोफ्लैजेलेट्स में क्या था, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, राइट। अब इतना तो आपने देख लिया कि डायग्राम्स के बेसिस पर आपको पता चल गया। अब इसी के साथ साथ अगर आगे बढ़े तो जैसे डेनोफ्लैजेलेट्स था ना, इसमें मैंने तो रेड टाइड्स के रिस्पेक्ट में आपको बता दिया, वैसे ही इनके पास अलग अलग पिगमेंट्स भी होती है जो अलग अलग कलर को प्रोड्यूस करेगी। तो जो डेनोफ्लैजेलेट्स है वो रेड हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं, बेस्ड ऑन द पिगमेंट्स दैट दे हैव, ठीक है। और सेल प्लेट का तो याद ही रखना आपको कि स्टिफ प्लेट होती है आउटर सर्फेस पे, वो किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज से बनी हुई होती है ना। कहां पर प्रेजेंट है, आउटर सर्फेस पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, राइट। तो ये यूग्लेनॉइड्स भी हो चुका है, इसका हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया है, पेलिकल का फंक्शन भी हमने पढ़ा है। अब हम बात करेंगे उसके नेक्स्ट कैटेगरी यानी कि स्लाइम मोल्ड के बारे में। तो बेसिकली जो स्लाइम मोल्ड होते हैं वो सैप्रोफाइटिक होते हैं। तो स्लाइम मोल्ड का ही क्वेश्चन आ जाता है, वो किस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उनका। तो आपको बता दें कि जो स्लाइम मोल्ड है वो कैसे है, सैप्रोफाइटिक होते हैं, ठीक है। डेड और डिकिंग सब्सटेंसेस से अपना फूड लेंगे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्लाइम मोल्ड के बारे में। तो यहाँ पर वो कैसे हो गए, सैप्रोफाइटिक हो गए, सैप्रोफाइटिक हो गए, ठीक है। अब आप याद रखोगे कि जब भी फेवरेबल कंडीशन होती है तो जितने भी स्पोर्स सैप्रोफाइट्स के होते हैं यानी कि स्लाइम मोल्ड्स के होते हैं, वो एक एग्रीगेट बना लेते हैं, वो एक ग्रुप बना लेते हैं, और इसी एग्रीगेट को यानी कि ग्रुप को हम क्या कहते हैं, प्लास्मोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्लास्मोडियम। लेकिन वही अगर ये प्लास्मोडियम अनफेवरेबल कंडीशन में प्रेजेंट होता है तो इसके जो ये सारे स्पोर्स है ये डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर जाते हैं और एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ये उसके टिप पर, फ्रूटिंग बॉडी की टिप पर वो डिफरेंशिएट करेंगे। और ये जितने भी स्पोर्स बनते हैं, क्योंकि इनकी जो वॉल होती है वो ट्रू वॉल होती है, इनके पास जो वॉल प्रेजेंट होती है वो ट्रू वॉल होती है, और वो उनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो प्लास्मोडियम है वो डिफरेंशिएट कर जाते हैं, ठीक है। और जितने भी स्पोर्स बनेंगे वो फ्रूटिंग बॉडीज के टिप पर बनेंगे, सभी स्पोर्स पे ट्रू वॉल्स होती है और वो उनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है एनवायरमेंटल स्ट्रेस से, जिस वजह से ट्रू वॉल होने की वजह से वो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक सर्वाइव करते हैं और एयर करंट के साथ फ्लो करते हैं, हवा के भाव के साथ फ्लो करते हैं, ठीक है। तो फेवरेबल कंडीशन में ग्रुप बन जाता है जिसको हम स्लाइम मोल्ड कहते हैं, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में वो डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट है प्रोटोजोन। भाई जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो ये मत सोचो कि मैं दो लाइन समझा दी इसके और खत्म, नहीं। तो जो भी क्वेश्चन है, मतलब देखो इसके टॉपिक में बहुत ही लिमिटेड चीजें हैं, लेकिन क्वेश्चंस को किस तरीके से घुमा घुमा के पूछा जा सकता है वो हमें डिस्कस करना है, राइट। तो स्लाइम मोल्ड्स के बाद हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रोटोजोआ के बारे में। तो जो प्रोटोजोआ है पहले बात वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होंगे। और दूसरी चीज आपको याद रखनी है, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो प्रोटोजोआ होते हैं दे आर द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, ठीक है भाई। अब इनमें जो कैटेगरीज है वो कौन सी है, सबसे पहली है अमीबॉइड कैटेगरी। तो अमीबॉइड मतलब नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, ये अमीबॉइड का एक एग्जांपल हो सकता है। इसमें आप देखोगे कि जो अक्वाटिक है यानी कि सी वाटर में, मैराइन वाटर में मिलने वाले जो अमीबॉइड फॉर्म्स होती है उनकी सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, सिलिका प्रेजेंट होता है, उनकी सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट होता है, राइट। ये तो हो गया अमीबॉइड। और जो अमीबा है जब भी उसको स्विमिंग करनी होती है तो वो अपनी बॉडी से सूडोपोडिया को बाहर निकालेगा। तो आपको याद रखना है इनके पास सूडोपोडिया होता है जो कि लोकोमोशन में इनकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये तो होगी सबसे पहली फॉर्म अमीबॉइड। उसके बाद आप बात करोगे तो आपको फ्लैजिलेटेड फॉर्म मिलेगी। तो जो फ्लैजिलेटेड फॉर्म है उसमें आप देखोगे कि ये जो फ्लैजिलेटेड फॉर्म का एग्जांपल आपको दे रखा है इसमें नाम से पता चलेगा कि जो भी स्ट्रक्चर इनके पास होता है उसमें क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। फ्लैजिला क्या है, एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करेगा, ठीक है भाई। तो फ्लैजिला कैसे, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो अगर इसके एग्जांपल के बारे में हम बात करें तो ट्रिपैनोसोमा का एक एग्जांपल है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ये बेसिकली पैरासिटिक हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं और बहुत सारी अलग अलग बीमारियां करवा सकते हैं। और ये जो स्पेसिफिक एग्जांपल आपको गिवन है ट्रिपैनोसोमा का, ये स्लीपिंग सिकनेस करवाता है।
क्या करवाता है, स्लीपिंग सिकनेस करवाता है, और इसकी जो वेक्टर है, इसका जो वेक्टर है वो है सीसी फ्लाई। वेक्टर कौन है? सीसी फ्लाई, ठीक है। तो अगर ये सीसी फ्लाई ट्रिपैनोसोमा को हमारी बॉडी के अंदर छोड़ देगी तो क्या होगा, स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी हो जाएगी, है ना। तो जैसे अमीबॉइड में एक एग्जाम्पल अमीबा का था, वैसे ही एंट अमीबा का एग्जाम्पल भी आप इसके अंदर ही पढ़ोगे। एंट अमीबा भी बीमारी करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पैरासिटिक है। उसका पूरा नाम होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कौन सी बीमारी करवाता है, उसको कहते हैं अमीबियासिस। अमीबियासिस, ठीक है भाई। वो ना कंटामिनेटेड फूड और वाटर के खाने की वजह से हो सकती है, और उसका जो वैक्टर है वो हाउस फ्लाई हो सकती है ना। तो इसका वैक्टर क्या है, सीसी फ्लाई। अब नेक्स्ट कैटेगरी जो प्रोटोजोआ के अंदर आती है वो कौन सी होगी, वो होती है सिलिएटेड। वो होती है सिलिएटेड प्रोटोजोन। तो देखो सिलिएटेड का मतलब क्या, सीलिया प्रेजेंट होगा, राइट। जब फ्लैजिलेटेड की बात हो रही थी तो उनके पास फ्लैजिला था, वो लोकोमोशन में हेल्प कर रहा था। सिलिएटेड में सीलिया है, वो भी लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, बट देयर मस्ट बी सम डिफरेंसेस ना। तो इसका एग्जांपल पैरामीशियम हम यहाँ पर ले सकते हैं। और जो पैरामीशियम है बेसिकली उसके अंदर आप देखोगे बॉडी के सर्फेस पर बहुत सारे ऐसे करके सीलिया प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्कोपिक थाउजेंड्स इन नंबर, ठीक है, छोटे छोटे से व्हिपलाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। जबकि यूग्लिनॉइड्स में आपने फ्लैजिला देखा था ना, तो वो एक या दो हो सकते हैं, बहुत ही कम होते हैं नंबर में, जबकि ये थाउजेंड्स हो सकते हैं। वो थोड़े इलॉन्गेटेड है, लार्ज है, और ये थोड़े से छोटे कंपैरेटिवली स्मॉलर होते हैं, ठीक है। अब ये जो सिलिएटेड प्रोटोजोआ की हम बात कर रहे हैं, इसका एग्जाम्पल हमने पैरामीशियम लिया है। इसकी बॉडी की सर्फेस पर थाउजेंड ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये सारे सीलिया कॉर्डिनली मूवमेंट करते हैं। मतलब अगर एक सीलिया आगे की डायरेक्शन में जा रहा है तो सारे ही सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे, ठीक है। और इन सीलिया के बीच में कैविटी होती है जिसको गुलेट कहा जाता है, एंड दिस इज द कैविटी फ्रॉम वेयर वाटर और फूड इज टेकन इन, ठीक है। तो वाटर लेट इन मतलब बहते हुए पानी के साथ जो फूड है वो भी अंदर आ जाएगा। तो ये गुलेट की मदद से ही इनटेक ऑफ फूड करेंगे और वाटर का भी इनटेक करते हैं, ठीक है। और जो लास्ट यानी कि फोर्थ कैटेगरी इसके अंदर है वो स्पोरोजॉइट्स है। कौन सी कैटेगरी है, स्पोरोजॉइट्स है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, प्लास्मोडियम की एक इन्फेक्शियस स्टेज होती है, उसके लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शियस स्टेज आती है जिसको स्पोरोजॉइट कहा जाता है। और ये स्पोरोजॉइट अगर किसी हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर चला जाए तो कौन सी बीमारी करवाएगा, मलेरिया, ठीक है। लेकिन जाएगा कैसे, वेक्टर क्या होगा, इसकी वेक्टर होती है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। तो स्पोरोजॉइट की जो वेक्टर है वो है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। और ये कौन सी बीमारी करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मलेरिया करवाने के लिए। तो स्पोरोजॉइट प्लास्मोडियम की एक इन्फेक्शियस स्टेज होती है जो कि मलेरिया करवाती है, और इसको ट्रांसफर करने के लिए जो मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल है वो है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, राइट। ये बहुत नोटोरियस है, बड़ा बदनाम है इस चीज को लेकर, क्योंकि ये बीमारियां करवाता है, ठीक है। सो ये हमने कंप्लीट कर लिया है किंगडम प्रोटिस्टा। चलिए अब हम बात करते हैं किंगडम फंजाई की। तो किंगडम फंजाई से पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करें। सबसे पहले तो फंगस यूनिसेल्युलर है या मल्टीसेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर आपको याद रखना सिर्फ यीस्ट होती है, यूनिसेल्युलर यीस्ट होती है। उसके अलावा जितनी भी फंगस है लाइक पेनिसिलियम, वो सब क्या होती है, वो सब मल्टीसेल्युलर है। दूसरा क्वेश्चन जो उसमें से पूछा जाएगा वो क्या होगा, ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, है ना। और देखो डायवर्सिटी के बेसिस पर एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि न्यूट्रिशनल डायवर्सिटी मोनेरा में ज्यादा है, न्यूट्रिशनल डायवर्सिटी मोनेरा में ज्यादा है, लेकिन डायवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, डायवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट फंगस की ज्यादा होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार यहीं पे पूछा गया है। और बोला जा रहा है यीस्ट को छोड़कर, एक्सेप्ट द यीस्ट जो कि यूनिसेल्युलर होती है, बाकी जितनी भी फंगस होती है वो सब फिलामेंटस होती है। यीस्ट को छोड़कर जितनी भी फंगस होती है वो फिलामेंटस होंगी, ठीक है। फंगस एसोसिएशन में मिल सकती है प्लांट्स और एनिमल्स के साथ। अगर फंगस सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होता है प्लांट्स के साथ, जैसे कि अगर मैं बोलूं रूट्स ऑफ हायर प्लांट और फंगस, जब भी ये दोनों एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं तो उसको माइकोरिजा बोला जाता है। जब भी ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होती है हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ तो उसे माइकोरिजा बोलेंगे। लेकिन अगर कभी भी फंगस जो एल्गी होता है उसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होगी तो उसको लाइकेन बोलेंगे, राइट। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्लॉथ बियर वगैरह के सर्फेस पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, कुछ एल्गी होती है जनरली। फिर बोला जा रहा है कि जो फंगस है उनके पास क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। मान लीजिए फंगस है सिंगल सेल, इसके पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हाइफे बोलेंगे, राइट। और इसके नेटवर्क को माइसीलियम बोला जाता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा था वो ये है कि अगर किसी फंगस के पास जो हाइफे है, जो फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो है वो तो चलो मूवमेंट में भी हेल्प करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा, तो ये जो हाइफे है अगर उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, अगर मल्टी न्यूक्लियेटेड हाइफे है तो उसका नाम क्या होगा,
तो आपको बता रहे पॉलीसिटिक हाइफे कहते हैं, अगर मल्टी न्यूक्लियेटेड हाइफे है तो उसको पॉलीसिटिक हाइफे कहा जाता है। ठीक है, जितने भी फंगस है जनरली हेटरोट्रॉप्स होती है, याद रखना हेटरोट्रॉप्स डेड और डिकेड सब्सटेंसेस से अपना फूड लेती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं सैप्रोफाइट्स। राइट, अब बोलो जरा जब भी फंगस एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है तो कौन से स्पोर्स हैं जो फंगस के अंदर रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, वो होते हैं कोनिडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे तो एप्लैनोस्पोर्स और जूस्पोर्स भी होते हैं, लेकिन जो फंगस में सबसे इंपॉर्टेंटली रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाले स्पोर्स हैं वो कोनिडिया होते हैं। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, नीट में भी आया हुआ है, इसके साथ साथ ये भी पूछते हैं कि पेनिसिलियम के अंदर जो स्पोर्स है रिप्रोडक्शन करवाने के लिए जो स्ट्रक्चर्स है वो कौन से हैं, तो वो आपको कोनिडिया ही बताने। राइट, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो पेनिसिल जो ये फंगस है उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो किस किस आधार पे किस बेसिस पे की हुई है, तो जो फंगस की जो डिवीजन है वो किस किस आधार पे की हुई है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मैंने भी बताया था नेटवर्क ऑफ हाइफे को माइसीलियम कहते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, सेप्टेट है या एसेप्टेट है, क्रॉस वॉल्ड है या रेगुलर वॉल्ड है। ठीक है, फिर है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन कैसा है, एंडोजीनस के अंदर बन रहा है या बाहर बन रहा है। फिर उसके बाद फ्रूटिंग बॉडीज कैसी है, फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है, वो कुछ ऐसे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन या जिसके ऊपर स्पोर की फॉर्मेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, इन तीनों चीजों के आधार पर ही फंगस को डिवाइड किया गया अलग अलग कैटेगरीज में। फिर यहाँ पर जब भी अगर सेक्सुअल साइकिल के बारे में मैं बात करूंगी तो तीन स्टेजेस आती है उसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है। मान लीजिए ये एक फंगस है, दूसरी कोई भी फंगस सेल है, जब भी ये दोनों सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो ये दोनों स्ट्रेन के फंगस सबसे पहले क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ में आएंगे और इनका जो साइटोप्लाज्म है प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज करेंगे। ठीक है, और फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा जाता है, प्लाज्मोगैमी। अब क्या होगा, यहाँ पर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो अगर कभी भी सिंगल सेल में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इन दोनों के प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज हो चुके हैं लेकिन न्यूक्लियस की फ्यूजन नहीं हुई, तो इसका मतलब है देयर आर टू न्यूक्लियस पर सेल, एक सेल में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन को डायकैरियन कहते हैं और इस फेज को डायकैरियो फेज कहा जाता है। ठीक है, अब कुछ समय बाद क्या होगा, ये जो दोनों न्यूक्लियस है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाएंगे, तो मान लीजिए भाई ये तो एन था और ये भी एन, मानना क्या है हैप्लॉयड होती है जनरली, तो ये एन और एन क्या बना लेंगे, टू एन बनाएंगे। ठीक है, तो जब प्रोटोप्लाज्म की फ्यूजन हुई तो उसको हमने प्लाज्मोगैमी बोला, जब दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे तो उसको कैरियोगैमी बोलेंगे, और उसके रिजल्ट में जायगोट बन गया डिप्लॉइड। लेकिन मैंने भी बताया कि जो फंगस होती है वो हैप्लॉइड होती है, तो यहाँ पर उनके जायगोट में कौन से डिविजन होने चाहिए, मियोसिस होने चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चार हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में बात की है, कि फंगस के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो क्या क्या है। साथ ही साथ आप देखोगे कि जो फंगस है वो डिजीज करवाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पर दो वाले फंगस के नाम लिखे हुए हैं, पुसिनिया और यूस्टिला को, ये दोनों ही अलग अलग बीमारियां करवाती है, ब्लैक स्टेम में जो रस करवाते हैं वीट के अंदर वो पुसिनिया करवाएगी, और जो स्मट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो यूस्टिला को। ठीक है, तो अब अगर मैं इनकी अलग अलग कैटेगरीज के बारे में बात करूंगी जो कि हमने इन तीनों चीजों के आधार पर डिवाइड किए हैं, तो उसमें आप कुछ कुछ डिफरेंसेस को पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले आती है फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई कहा जाता है, तो ये पूछते हैं क्वेश्चन कि एल्गल फंजाई किसे कहते हैं, तो हमने सबसे पहले बोला फाइकोमाइसिटीज, फाइको का मतलब जनरली प्लांट से होता है। ठीक है, तो चलिए फाइकोमाइसिटीज की बात करते हैं, तो उसको हमने क्या नाम दिया है, फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई कहा जाता है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया फाइकोमाइसिटीज। उसके बाद आती है एस्कोमाइसिटीज, माइसिटीज का मतलब फंगस है भाई। ठीक है, फिर उसके बाद आती है बेसिडियोमाइसिटीज एंड देन ड्यूट्रोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज। ठीक है, तो जो ड्यूट्रोमाइसिटीज है, फाइकोमाइसिटीज है, क्या है, ये फंगस की डिफरेंट कैटेगरीज है ना, तो फाइकोमाइसिटीज को क्या कहते हैं हम, एल्गर फंजाई। एस्कोमाइसिटीज को क्या कहते हैं, सैक फंजाई, उसकी अपीयरेंस थैले जैसी होती है। बेसिडियोमाइसिटीज को हम दो नाम से जानते हैं, तो ब्रैकेट फंजाई, उसमें ट्रूफल्स वगैरह भी इसके एग्जाम्पल में, पफ बॉल भी इसके एग्जाम्पल में आएंगे, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ब्रैकेट फंजाई, ब्रैकेट फंजाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा गया था 2015 में। ड्यूट्रोमाइसिटीज तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है, अब इन सब के जो नाम पड़े हुए हैं, एक तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, पूछेंगे विच आउट ऑफ दीज फोर इज कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई या फिर इज कॉल्ड ब्रैकेट फंजाई, तो अगर ब्रैकेट फंजाई तो बेसिडियोमाइसिटीज, इम्परफेक्ट तो ड्यूट्रोमाइसिटीज। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेट होता है, जो फाइकोमाइसिटीज का माइसीलियम है वो एसेप्टेट है, जबकि यहाँ पर जो बाकी है सबका जो माइसीलियम होगा वो सेप्टेट होगा, सबका माइसीलियम सेप्टेट होगा। ठीक है,
मैं यहाँ पर सिर्फ नीट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर एल्गी फंजा, सेट फंजा, ब्रैकेट फंजा, इम्परफेक्ट, देन उनके माइसिटीज के बारे में बात हो रही है, उनका जो माइसीडियम है वो किस तरीके से अरेंज है, अब इनके अंदर स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो कोनिडिया बनेगा, और जब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेंगे तो इन सभी के अंदर अगर जितने भी गैमेट्स हैं, मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स हैं, दोनों एक जैसे हैं तो आइसोगैमस, दोनों डिफरेंट है तो एनाइसोगैमस, लेकिन अगर मेल छोटा और फ्लैजिलेटेड है, फीमेल बड़ी और नॉन फ्लैजिलेटेड है तो ओगैमस, वो सब में कॉमन है ना। लेकिन जो फिर भी डिफरेंसेस आपसे पूछे जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में, उसकी बात कर रही हूँ। यहाँ पर आता है कॉप्रोफिलस एल्गी या फिर कॉप्रोफिलस फंजा। तो कॉप्रोफिलस होती है जो डंग यानी कि गोबर के ऊपर ग्रो करेगी, कॉप्रोफिलस कौन सी होंगी जो डंग यानी कि गोबर के ऊपर ग्रो करेगी, ठीक है। तो बेसिकली ये सॉरी फाइकोमाइसिटिस में नहीं, कॉप्रोफिलस हम एस्कोमाइसिटिस में पढ़ेंगे, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कॉप्रोफिलस, है ना। तो यहाँ पर हमने लिखा डंग के ऊपर ग्रो करने वाली जो फंगस है वो कॉप्रोफिलस होती है। इसके एग्जाम्पल में आप पेनिसिलियम को भी पढ़ोगे, देखिए जो पेनिसिलियम है वो मल्टी सेलुलर है, यीस्ट को भी पढ़ोगे जो कि यूनिसेलुलर, कैसी है वो यूनिसेलुलर। यीस्ट का एक एग्जाम्पल अगर हम ले तो सैक्रोमाइसिस सर्विसी, ब्रेड और बियर बनाने के लिए यूजफुल होता है, वो उसी के अंदर आता है ना। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही एक तरीके से देखा जाए तो जेनेटिक्स और बायोकेमिकल प्रोसेसेस के रिस्पेक्ट में बहुत ही जरूरी जो एक फंगस है, उसका एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है न्यूरोस्पोरा क्रासा। न्यूरोस्पोरा क्रासा एक ऐसे फंगस है जिसको हम ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, और ये जेनेटिक्स में और बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एंड जेनेटिक्स, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ये आपको याद रखना है कि ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम किसको कहते हैं, न्यूरोस्पोरा क्रासा को, ठीक है। इसमें इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है बायोटेक में, बायो केमिस्ट्री में और जेनेटिक्स में, ठीक है। इसी के साथ साथ एक दो और एग्जाम्पल आपको इसमें दिए हुए हैं और इनकी फ्रूटिंग बॉडीज के बारे में भी बताया हुआ है। तो अगर एस्कोमाइसिटीज है तो स्पोर्स कौन से बनेंगे, एस्कोस्पोर्स बनेंगे, वो कौन से फ्रूटिंग बॉडी में बनेंगे, एस्कोकार्प में बनेंगे। तो एस्कोकार्प आपको याद रखना है फ्रूटिंग बॉडी होती है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा बेसिडियोमाइसिटीज की बात होगी तो इसमें आपको ये याद रखना है कि बेसिडियोमाइसिटीज में दो वेजिटेटिव सेल एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे, है ना। तो ये एक वेजिटेटिव था, ये दूसरा, जब ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तो 2N बनेगा, इसको बेसिडियम कहते हैं, बेसिडियम। और लेकिन ये बेसिडियम जब मेयोसिस करेगा तो 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, एंड दीज आर कॉल्ड बेसिडियोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल में आप याद रखेंगे जो मैंने बताया था, पुसिनिया भी इसी का एग्जाम्पल है, यूस्टुलागो भी इसी का एग्जाम्पल है, साथ साथ मशरूम भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है, मशरूम भी इसी कैटेगरी के अंदर आएगा। बट यहाँ पर नो प्रॉपर तरीके से कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर नहीं होती है, ओनली एसेक्सुअल जो मोड है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप्ड है। बस मैं आपको बोलूंगी नो सेक्स ऑर्गन, है ना। प्रॉपर तरीके से मेरा क्या मतलब, देखो ये है तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, लेकिन यहाँ पर गैमेट्स भी कर रहे हैं फ्यूज, फ्यूज कौन कर रहे हैं, सोमैटिक सेल्स फ्यूज कर रहे हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इम्परफेक्ट फंजा को इम्परफेक्ट इसीलिए कहते हैं, नो सेक्सुअल फेज इज फाउंड, इसमें सिर्फ और सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है, ठीक है। और अगर इनके एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर तो ऑल्टरनेरियस का एग्जाम्पल है, ट्राइकोडर्मा इसका एग्जाम्पल है ना। और ये बेसिकली किस चीज में यूज किए जाते हैं, ये लिटर वगैरह जो होती है उन सबका डिकम्पोजिशन करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। तो इनके फंक्शंस भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ये किस चीज में हेल्प कर रही है, ये जो लिटर वगैरह होता है उसका डिकम्पोजिशन करते हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ लिटर एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है। तो ये बेसिक फंक्शंस हो गए, ऑर्डिनेरिया, ट्राइकोडर्मा, है ना, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। इन सभी के एग्जांपल्स तो एटलीस्ट आपको सारे याद ही करने हैं। क्लेविसेप्स भी इसी के अंदर आता है, क्लेविसेप्स किसके अंदर आता है, एस्कोमाइसिटीज में, है ना। अब ये जो फाइकोमाइसिटीज तो रह गया, इसमें हमें क्या चीज याद रखनी है कि जो स्पोर की फॉर्मेशन हो रही है वो कैसे होती है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो 3 तरीके के गैमेट्स बनेंगे, आइसोगैमस जिसमें कि तीनों गैमेट्स एक जैसे होते हैं, एनाइसोगैमस और ओगैमस, ठीक है, ओगैमस। इसी के साथ साथ इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते तो एल्ब्यूगो इसी के अंदर आता है, ठीक है। और राइजो, जो बेसिकली राइजोपस आपने पढ़ा था, ब्रेड मोल्ड जिसको कहते हैं, वो भी इसी का ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर उसके ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं ब्रेड मोल्ड, ठीक है।
अब जो मशरूम से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, अगैरिकस जो कि मशरूम का साइंटिफिक नेम है अगैरिकस, तो ये कुछ पॉइजनस भी हो सकती है, तो कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइजनस। ये सभी चीजें मैं आपको नोट्स पे प्रोवाइड करूंगी, आपको वो अच्छे से पढ़ना है ठीक है। लेकिन ये जो चीजें अभी करवाई गई है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे तो मैं सब आपके लिए मेंशन करूंगी ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़ते रहिए। तो और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं एस्कोमाइसिटीज की, तो इसमें आप एक और एग्जाम्पल ऐसे दो जैसे कि एस्पैरजुलस, एस्पैरजुलस नाइगर ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं एस्पैरजुलस के बाद एक और एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हो जैसे कि यहाँ पर इम्परफेक्ट फंजाई में यानी कि ड्यूट्रोमाइसिटीज में कॉलिट्रोट्राइकम, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसको फाइकोमासिटीज में, तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि जो स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है वो एंडोजीनियसली होती है। स्पोर्स की फॉर्मेशन एंडोजीनियसली होती है, वो भी स्पोरेंजियम के अंदर। स्पोरेंजियम मतलब फ्रूटिंग बॉडी होगी इसकी ठीक है। और एक और एग्जाम्पल एल्ब्यूगो के अलावा आप ले सकते हो म्यूकर का, है ना। तो यहाँ पर जो एंडोजीनियसली स्पोर की फॉर्मेशन हो रही है वो सिर्फ फाइकोमासिटीज में है। अगर एस्कोमाइसिटीज या बेसिडोमाइसिटीज की बात होती है तो वो जो स्पोर फॉर्मेशन है वो एक्सोजीनियसली होगा, करेक्ट। तो ये सारे क्वेश्चन है जो आपको याद रखने। अब हम वायरस के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। और वायरस से पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं, जैसे कि सबसे पहले तो तीन साइंटिस्ट के नाम ही आपसे पूछेंगे। एक तो हो गया कि किसने कहा था कि जो वायरस है वो क्रिस्टलाइन होते हैं, या किसने कहा था कि वायरस के अंदर जो प्रोटीन है वो इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है ठीक है, या जो टर्म वायरस है वो किसने दी थी, है ना। तो यहाँ पर दो तीन चीजें जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज, जो वायरस है नॉट ट्रूली लिविंग, साथ में वो क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, वो आपको याद रखना है। जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाएंगे तभी जाकर वो अपनी जो एक्टिविटीज है वो परफॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि वो होस्ट ऑर्गेनिज्म की मशीनरी को अडॉप्ट कर लेते हैं और उन्हीं की मशीनरी को अपना समझ के काम करना शुरू करते हैं ठीक है। फिर जो साइंटिस्ट के नाम है वो गेव द टर्म वायरस, पाश्चर ने दिया था जो टर्म थी, है ना। फिर उसके बाद किसने ये बोला था कि जो वायरस है दीज आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, वायरस स्मॉलर देन बैक्टीरिया, है ना, ये किसने बोला था। फिर अगर मैं बात करूं एक और, तो जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो किसने बोला था, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं या इन्फेक्शियस प्रोटीन को वो रिलीज करते हैं, वाइबम कंटेजियम फ्लूइडियम। तो ये जो साइंटिस्ट के नाम है वो आपको याद करने हैं। तो बेसिकली जो लुईस पाश्चर है वो एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये जो टर्म है वो दी थी ठीक है। फिर उसके बाद एमडब्ल्यू बेंजविक और डब्ल्यूएम स्टेनली, इन दोनों साइंटिस्ट ने अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दी थी और उन्होंने ये बताया था कि वाइबम फ्लूइडियम या कंटेजियम वाइबम फ्लूइडियम ये क्या है, इसका मतलब होता है इन्फेक्शियस प्रोटीन, है ना, कंटेजियम वाइबम फ्लूइडियम। तो जब भी वायरस डेवलप मतलब ग्रोथ कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, तो वो एक सर्टेन केमिकल को रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से और उस केमिकल को क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं कंटेजियम वाइबम फ्लूइडियम, इसका मतलब है इन्फेक्शियस फ्लूइड। और ये जो इन्फेक्शियस फ्लूइड है आपके एनसीईआरटी में भी जो साइंटिस्ट के नाम गिवन है आप देख सकते हो, मैं मेंशन करके बता रही हूँ। जैसे कि बोला गया है एम डब्ल्यू बेंजविक, उन्होंने 1898 में ही ये बता दिया था कि भाई जो फ्लूइड है कंटेजियम वायरम फ्लूइड है वो एक इन्फेक्शियस फ्लूइड है जो कि वायरस प्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो मैं जो साइंटिस्ट है उनका नाम यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, कंटेजियम वायरम फ्लूइड, ये किसने बताया था, एम डब्ल्यू बेंजविक, स्मॉलर देन बैक्टीरिया नहीं, ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड का नाम बताया था एम डब्ल्यू बेंजविक ठीक है। इसी के साथ ये हम ईयर भी यहाँ पर लिख रहे हैं, पूछ लिया जाता है 1898, लेकिन ये जो टर्म है कि वायरसेस स्मॉलर होते हैं बैक्टीरिया से, ये किसने बताया था, यहाँ पर जो साइंटिस्ट आपके बुक में दे रखे हैं वो इग्नोस्की हैं, वो आपको वो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ही बताया था कि जितने भी बैक्टीरिया जितने भी वायरस होते हैं वो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। लेकिन पता कैसे चला कि जो वायरस है वो बैक्टीरिया से छोटे हैं, देखो जैसे कि ये हमारे पास एक बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है, इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से होल्स हैं जिसके थ्रू बैक्टीरिया भी पार नहीं हो सकते। जब बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर सकते इस फिल्टर को, तो वायरस अगर करके चले जाएंगे तो उसका मतलब क्या हुआ कि वायरस तो बैक्टीरिया से भी छोटे हुए, तभी तो वो जाकर प्रॉपर तरीके से यहाँ से पास हो पा रहे, फिल्टर हो पा रहे। तो इसलिए जो इग्नोस्की थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही बताया था कि भैया जो वायरसेस हैं दीज आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, और ये कब बताया था, 1892।
ठीक है, तो जो टर्म वायरस है वो रिस्पॉन्स ने दी थी, उसका मतलब होता है इन्फेक्शियस। फिर स्मॉलर होते हैं वो बैक्टीरिया से, हमने उसके ने बताया था। कॉन्टेजियम वाइबम फ्लूडियम, एक इन्फेक्शियस फ्लूड वो रिलीज करते हैं, वो M.W. बेंड्रिक ने बताया था। और ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोटीनिशियस होते हैं, ये किसने बताया था? W.M. स्टेनले ने बताया था। तो ये इन साइंटिस्ट के नाम आपको याद करने हैं वायरस के रिगार्डिंग, ठीक है। अब अगर हम इनके फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो आप देखोगे कि जो वायरस होते हैं इनके पास DNA और RNA, मतलब इन दोनों में से कोई एक एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों ही प्रेजेंट होंगे एक बैक्टीरिया में, नहीं, ये हो सकता है कि या तो DNA होगा या फिर RNA होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पर देखा जा रहा है, बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज क्या है? ऐसे वायरस जो कि अटैक करते हैं बैक्टीरिया पे, वायरस अटैकिंग द बैक्टीरिया, ठीक है। इनके पास जो जनरली जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इनके पास जो जनरली जेनेटिक मटेरियल होगा बैक्टीरियोफेज के पास, वो क्या होगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। और आपके एनसीईआरटी में भी एक डायग्राम दिया हुआ बैक्टीरियोफेज का, उसकी लेबलिंग आती है, तो वो डायग्राम आप जरूर पढ़ेंगे, नेक वगैरह उसकी लेबलिंग के लिए आ जाती है, शीट आ जाती है और हेड आ जाता है ना। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन भी है, और वो एक्सेप्शन क्या है? 5174, जिसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 5174 एक ऐसा क्या है? बैक्टीरियोफेज है, जिसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। वैसे जो जनरली बैक्टीरियोफेजेस होते हैं उनके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। अब अगर मैं आगे इनकी बात करूं कि वो जो वायरस प्लांट्स पे इन्फेक्शन कर रहे हैं, ऐसे वायरस जो कि इन्फेक्ट कर रहे हैं प्लांट को, एक सिंपल से लाइन आपके एनसीईआरटी में सुनिए, लिखा हुआ है, एक तो हो गया नो वायरस कंटेन बोथ डीएनए और आरएनए, किसी भी वायरस के पास दोनों डीएनए और आरएनए नहीं हो सकते, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, ठीक है। एक ऐसा वायरस जो कि इन्फेक्ट कर रहा है किसी भी प्लांट को, इट हैज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। कोई वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करेगा उसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, लेकिन अगर कोई वायरस एनिमल्स को इन्फेक्ट कर रहा है उसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है ना। जो प्लांट्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं उसका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, शायद मैंने डीएनए बोला था, आप करेक्ट कर लीजिए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है ऐसे वायरस के पास जो कि प्लांट्स में इन्फेक्शन करते हैं। लेकिन ऐसे वायरस जो कि एनिमल्स को इन्फेक्ट करेंगे उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, और डीएनए तो हमेशा डबल स्ट्रैंडेड ही रहेगा। तो ये याद रखना, क्लियर है? तो ये वो वायरस जो प्लांट्स और एनिमल्स को इन्फेक्ट कर रहे थे, है ना। तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, चाहे वो आरएनए हो या डीएनए, किसके अंदर प्रेजेंट है? न्यूक्लियो प्रोटीन। तो एक लाइन लिखी हुई है, अ वायरस अ न्यूक्लियो प्रोटीन इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। जो वायरस है वो क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ न्यूक्लियो प्रोटीन, और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होता है? इन्फेक्शियस होता है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होगा? इन्फेक्शियस होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ ना, तो वायरस के पास एक प्रोटीन कोट होता है जिसको कैप्सिड कहा जाता है। वायरस के पास एक प्रोटीन कोट होता है जिसको कैप्सिड कहते हैं, पूरा कोट क्या कहलाता है? कैप्सिड। लेकिन जिन यूनिट्स से मिलकर ये बना हुआ है उसको कहते हैं कैप्सोमेयर, इन यूनिट्स को कहते हैं कैप्सोमेयर। तो इसी कोट के अंदर सारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा वायरस का, राइट। तो जैसे कि मैंने बोला कि वो जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस है, तो ये बहुत सारी बीमारियां करवाएगा, है ना। कौन कौन सी बीमारियां करवा सकते हैं जो वायरस होते हैं? देखिए, जो वायरस डिजीज करवा रहे हैं वो कौन कौन सी है? ये स्मॉल पॉक्स हो सकती है, एड्स हो सकती है, ये तो चलो मैं एनिमल्स के बारे में बात करूँ, लेकिन प्लांट्स में भी वो बहुत सारी बीमारियां करवा सकते हैं, जैसे कर्लिंग ऑफ लीव्स हो गया, येलोइंग ऑफ लीव्स हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ लीफ कर्लिंग, और आप ये बुक में सबसे लास्ट लाइन में दिया हुआ वायरस वाले पेज पे, एड्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉज बाय वायरस इन प्लांट्स, द सिम्टम्स ऑफ मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग। तो ये सब प्लांट्स के अंदर होते हैं, लीफ कर्लिंग एंड रोलिंग, ठीक है, येलोइंग हो सकता है, वेन क्लियरिंग हो सकता है, येलोइंग ऑफ लीव्स, क्लियरिंग ऑफ वेन्स, वेन क्लियरिंग, साथ साथ मोज़ेक फॉर्मेशन भी इसके अंदर हो सकता है, मोज़ेक फॉर्मेशन। तो ये आपको देखने की प्लांट्स की अगर बात है तो ये सब सिम्टम्स यहाँ पर नजर आ जाते हैं, और जब एनिमल्स में ये बीमारी करवाता है तो इसके साथ साथ मम्स, हर्पिस एंड इन्फ्लुएंजा भी इसके एग्जाम्पल में आएगा, मम्स, हर्पिस एंड इन्फ्लुएंजा। तो ये स्मॉल पॉक्स, एड्स, मम्स, हर्पिस एंड इन्फ्लुएंजा, ये सारी जो डिजीज है एनिमल्स में कौन करवाएगा? वायरस करवाएगा। और जो प्लांट्स में हमने अभी पढ़ी है कौन कौन से सिम्टम्स देखते हैं, लीफ कर्लिंग एंड रोलिंग,
उसमें हो सकता है येलोइंग ऑफ लीव्स, वेन क्लियरिंग एंड मोज़ेक फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हमने किस चीज के बारे में बात की है, वायरस के बारे में बात की है। अब हम बात करेंगे वायरॉइड्स के बारे में। तो बेसिकली जो वायरॉइड्स है वो वायरस से भी छोटे होते हैं, है ना। वायरॉइड्स हैं, दीज आर स्मॉलर देन वायरस, और वो भी इंफेक्शियस होंगे। उनको टीओ डिनियर ने 1972 में डिस्कवर किया था और ऐसा कहा गया था कि वायरॉइड्स आर स्मॉलर देन वायरस, वायरॉइड्स आर स्मॉलर देन वायरस, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कौन से साइंटिस्ट थे, टी और डीनियर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1972 में इसको डिस्कवर किया था। उन्होंने बताया था कि वायरॉइड्स क्या है, दीज आर स्मॉलर देन वायरस, ये वायरस से भी छोटे होते हैं। इनके पास सिर्फ और सिर्फ फ्री आरएनए होता है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ फ्री आरएनए होता है। इनके जो वेट होता है लो मॉलिक्यूलर वेट होगा, लो मॉलिक्यूलर वेट होगा, और ना ही इनके पास कोई प्रोटीन कोट है, नो प्रोटीन कोट, मतलब इनके पास कैप्सिड नहीं है, प्रोटीन कोट नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। और ये कौन सा डिजीज करवाता है, ये पोटैटो ट्यूमर स्पिंडल डिजीज करवा रहा है, पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ना। तो ये प्लांट्स पर डिजीज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वायरस से छोटा है, कोई प्रोटीन कोट नहीं है, लो मॉलिक्यूलर वेट, और सिर्फ आरएनए इसके पास प्रेजेंट होगा, करेक्ट। अब ये जो डिजीज होगी वो हमने देख लिया कौन सी बीमारी करवा रहा है। इसी के साथ साथ प्रायंस भी है, बहुत सारे बच्चों की बुक में नहीं होगा लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, ये इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं, इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं या फिर इन्फेक्शियस प्रोटीन कहीं पर लिखा होगा तो भी ये करेक्ट है ना। ये क्या होता है, मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन से बन जाते हैं, मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कैटल में, एनिमल्स में, बोवाइन में, है ना। तो ये जो बीमारियां करवा रहे हैं वो किसके अंदर करवा रहा है, गाय भैंस वगैरह जो कैटल होते हैं उनके ब्रेन में जो प्रोटीन है अगर वो मिसफोल्डिंग हो जाए, अगर उसकी मिसफोल्डिंग हो जाए तो एक डिजीज करवा सकते हैं ये प्रायंस, और उसको कहते हैं मैड काउ डिजीज, मैड काउ डिजीज। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, इंसेफेलिक भी है। तो जो मैड काउ डिजीज है वो प्रायंस करवाते हैं, दीज आर इन्फेक्शियस या फ्री इन्फेक्शियस आरएनए, फ्री इन्फेक्शियस प्रोटीन इनको कहा जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, किसी मेम्ब्रेन वगैरह से बाउंड नहीं होते हैं, ये फ्री होते हैं, आपको ये याद रखना, ठीक है। सो ये हमने किस में से पढ़ा है, चैप्टर टू को हमने डिस्कस किया है। इसके जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी हेल्पबुक में से, और लाइन टू लाइन आप एनसीईआरटी से इसको रीड करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ऑल द वेरी बेस्ट।